हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड करेंटली टॉप एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फॉर CPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, CDS एग्जामिनेशन एंड AFCAT एग्जामिनेशन। CPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए मैं बुक्स भी लिख चुका हूँ और मेरी ये जो वीडियो सीरीज़ है, प्रशांत सर है ना, इसमें आपका स्वागत है। इसमें आपसे आए हुए ही डाउट्स को, आपके जैसे एस्पिरेंट के डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ छोटे छोटे वीडियोस द्वारा। आपके कुछ डाउट्स हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, आप उसमें डाल सकते हो, उसमें मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पक्का कोशिश करूँगा। तो आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ CPF असिस्टेंट कमांडर का पेपर टू जो है, उसके लिए कौन कौन से बेसिक बुक्स पढ़ना है उसके बारे में। जैसे कि आप जानते हो CAPF मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इसमें CISF, BSF, ITBP, SSB, CRPF, ये 5 आर्म फोर्सेस आते हैं जिनको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस बोला जाता है। और उसके लिए एक रिक्रूटमेंट होता है UPSC द्वारा एक असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के लिए, विच इज़ इक्वलेंट टू कैप्टन। ये क्लास 1 गैजेटेड ग्रुप ए रैंक है और ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इक्वलेंट रैंक है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। और ये ऑल इंडिया लेवल का एक बहुत ही अच्छा सर्विस का मौका है असिस्टेंट कमांडेंट बनने का। लेकिन इसमें जो दो पेपर रहते हैं, इसका पेपर 1 जो रहता है ऑब्जेक्टिव रहता है, MCQ पैटर्न रहता है, और इसका जो पेपर 2 जो रहता है ये रहता है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको 4 निबंध, 2 आर्ग्यूमेंट, 2 रिपोर्ट, 1 प्रेसी राइटिंग, 1 कॉम्प्रिहेंशन और 25 मार्क का ग्रामर भी लिखना पड़ता है। तो ये पेपर 2 के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ना है ये बहुत सारे एस्पायरेंट्स को समझ में नहीं आता। तो ये जो पेपर 2 है इसमें एसेज आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, रिपोर्ट आती है, आजू बाजू में जो चीज़ें चल रही है, करंट अफेयर्स है, करंट इश्यूज़ है, उसी के ऊपर आपको ये जो टॉपिक्स एसेज, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट वगैरह आते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारे एस्पायरेंट्स को ये 200 मार्क का पेपर है और 200 मार्क बहुत ज़्यादा होते हैं। 450 मार्क का रिटर्न एग्जामिनेशन है, उसमें 200 मार्क का ये सिर्फ पेपर 2 है। और बहुत सारे एस्पायरेंट्स कन्फ्यूज होते हैं, सर हमें समझ में ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें, एग्जैक्टली क्या पढ़े, ताकि हमें समझ में आ जाए कि आजू बाजू में जो चल रहा है उसके ऊपर हम लोग आंसर लिख सकें, हमारे पास इतना नॉलेज ही नहीं है। तो दोस्तों आज मैं इसमें आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ बुक्स का, ये बेसिक बुक्स है अगर आप पेपर 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो, जो पढ़ने से आपका जो UPSC के लिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगा, आपका एक बेसिक बहुत अच्छा फाउंडेशन तैयार होगा, जिसके बेसिस के ऊपर आप पेपर 2 में आने वाले जो क्वेश्चन है, एसेज, आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, ये आप काफ़ी अच्छे तरीके से लिख सकते हो। वो वहाँ पे लगने वाले फैक्ट्स, वहाँ पे लगने वाला डेटा, वहाँ पे लगने वाली इन्फॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीवर्ड्स जिसके ऊपर एग्जामिनर आपको मार्क देता है, ये आपको इन बुक्स में मिल जाएंगे। तो मैं सीक्वेंस में बताता हूँ आपको बुक्स पढ़ने का, ये बेसिक बुक्स हैं। सबसे पहला बुक मैं सजेस्ट करूँगा पॉलिटिकल थ्योरी, ये 11th स्टैंडर्ड का NCERT है पॉलिटिकल थ्योरी, ये किताब पक्का पढ़िएगा। ये आपको पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस के बेसिक कंसेप्ट्स के आइडिया देगा, फ्रीडम क्या है, लिबर्टी क्या है, राइट्स क्या है, एक्सप्रेशंस क्या रहता है और वो क्यों ज़रूरी है उसके बारे में बहुत बेसिक, बहुत सिंपल शब्दों में लिखा हुआ ये NCERT की किताब है 11th स्टैंडर्ड की। उसके बाद दूसरी किताब मैं सजेस्ट करूँगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, 11th स्टैंडर्ड की ये NCERT है। भारत का संविधान किस तरह से काम करता है इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में इसमें ये किताब में समझाया है। ये बुक इसलिए ज़रूरी है बिकॉज बींग एन ऑफिसर यू आर गोइंग टू सर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो इसीलिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझना, वो कैसे काम करता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये किताब आपको ये समझने के लिए मदद करेगा। तीसरी किताब मैं सजेस्ट करूँगा आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी 11th स्टैंडर्ड की NCERT है। ये किताब आपको समझने के लिए मदद करेगी भारत की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, ये इंडिपेंडेंस के पहले कैसे थी, इंडिपेंडेंस के बाद इसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट हो गया, क्या क्या चेंजेस हो गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है और अभी इसमें क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट क्या रहता है, ये सारी चीज़ें जब समझ में आ जाती है तो आपको सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, डेवलपमेंटल, लीगल, कल्चरल, सिक्योरिटी वाले ये जो आपके पेपर 2 में जो आने वाले इश्यूज है जिसके ऊपर एसेज, आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स आएंगे, ये समझना और आसान हो जाता है। ये होगी आपकी 3 किताबें जो 11th स्टैंडर्ड की है।
फिर 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में आपको सोशियोलॉजी की दो किताबें पढ़नी मैं रिकमेंड करूंगा। पहला है एक इंडियन सोसाइटी, जो आपको इंडियन सोसाइटी कैसे है, किस तरह से उसकी पिक्युलरिटीज़ क्या है, किस तरह से बना हुआ है, जॉइंट फैमिली क्या रहता है, अभी रिसेंटली सोसाइटी में बदलने वाले ट्रेंड्स है उसके बारे में जानकारी दी है। और उसका सोशियोलॉजी का दूसरी किताब है सोशल डेवलपमेंट एंड चेंज इन इंडिया। तो सोसाइटी कैसे बदल रहा है, सोसाइटी कैसे चेंज हो रहा है, उसके बारे में इंडिया के इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आपको इक्विप कर देता है कि सोशल इश्यूज को आंसर करने के लिए। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस की 2 12वीं की किताबें हैं। पहली किताब है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दुनिया में, करंट दुनिया में अभी क्या क्या चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके आसपास के बाद आज तक दुनिया में क्या क्या हुआ, इसके बारे में हमारे इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता। हमारा इतिहास 1947 में ख़त्म हो गया और हम लोग किताबों में भी 1947 तक ही इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन आजकल क्या चल रहा है हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है। तो ये वाला जो गैप है, दुनिया में आज तक क्या क्या हो गया, ये कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आपको बताएगा। और इंडिपेंडेंस के बाद भारत में क्या हो गया, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस नाम की ये 12वीं की दूसरी एनसीईआरटी है, ये आपको बताएगा। ये आपको समझाएगा कि भारत के हालात कैसे कैसे बदलते चले गए, पोजिशंस, गवर्नमेंट के पॉलिसीज क्या क्या बदले, क्या क्या चेंजेस आ गए, क्या क्या हमारे अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या हमारे फेल्यूर्स हैं, इसके बारे में ये किताब आपको जानकारी देगा। इसके साथ साथ आप मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन की इंटरनल सिक्योरिटी नाम की किताब पक्का पढ़ लीजिएगा। इससे आपको बहुत अच्छा क्लैरिटी आ जाएगा कि इंटरनल सिक्योरिटी सिनारियो क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, मैंडेट क्या है, चैलेंजेस क्या है, ये आपको क्लियर हो जाएगा, जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 2 के समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये बेसिक बुक लिस्ट है, इसको पढ़ने से आपका एक फाउंडेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 2 का, और ये आपको इक्विप कर देगा, एम्पावर कर देगा ये सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन से डील करने के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने पहले नहीं किया हुआ होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर कर दीजिएगा। अगर आप सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट सीडीएस एफकैट या एनडीए एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप हमारे नए वाले आने वाले बैचेस में ज्वाइन हो सकते हो, और यहाँ पे बहुत सारा डिस्काउंट भी चल रहा है। डिस्काउंट पाने के लिए आप रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हो मेरा, PrashantYT10, PrashantYT10। ये अप्लाई करने के बाद अनअकैडमी के जो प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस है उसके ऊपर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अनअकैडमी की पेपर 2 के टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी है, आपके ये डिस्क्रिप्शन में आपको इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी मिलेगा। तो ये टेस्ट सीरीज़ में भी आप सीडीएस या फिर सीएपीएफ के टेस्ट सीरीज़ में भी आप ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।